नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में आपको जानकारी देंगे। कौन सी लाइन वर्टिकल होती है, कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं, क्षैतिज रेखा हम किसे कहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक कार्तीय तलम बनाते हैं ना, कार्तीय तल ध्यान दीजिएगा। एक तो आपकी लाइन ये वाली होती है और एक लाइन इसके ऊपर होती है लंबवत ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है इसको आप एक तो अक्ष अक्ष कहते ही हो, क्या कहते हैं इसको, अक्ष अक्ष या अक्ष एक्सिस कहते हैं, और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस या वाई एक्स भी आप कह देते हो, ठीक है। और यहां पर जहां पर अक्ष अक्ष और वाई एक्स दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ना, उसको हम ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु कहते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है कि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा मीन्स पड़ी रेखा। तो जो ये वाली रेखा है ना, ये वाली जो ये रेखा है, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे इसको, ठीक है। जो आपका अक्ष अक्ष होता है वो कैसी रेखा होती है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है, या इसको आप क्षैतिज अक्ष भी कह सकते हो। वाई जो अक्ष है इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा या ऊर्ध्वाधर अक्ष, लेकिन ये जो वाई एक्स होता है ना वो वर्टिकल लाइन जैसा होता है, इसको वर्टिकल भी आप कह पाएंगे। तो बात समझ में आ गई कि वर्टिकल कौन सा होता है, जो खड़ी लाइन होती है, जैसे आपके बिजली के खंभे है ना, ये वाले वर्टिकल होते हैं, और जो जमीन के ऊपर सड़क आपकी वो हॉरिजॉन्टल होती है, सड़क जैसी जो भी आकृतियां होती है ना, तो जमीन पे पड़ी हुई रहती है या सीधी जो रेखाएं होती है वो हॉरिजॉन्टल कहती है कहलाती है, या जो जमीन के समांतर होती है पैरेलल होती है ना वो हॉरिजॉन्टल, और जो हमारी धरातल या जमीन है उसके ऊपर जो लंब होता है, जिनके ऊपर जो खड़ा हुआ है, वो आपका कहलाता है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।